is also a part of noun, is divided into three parts. Pahla, generalizing collective noun. Dusra, group collective noun. Tisra, distributive collective noun. आप देखो समझो, इस कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? डिफिनेशन हम लिखे हैं, कलेक्टिव नाउन इज ए स्पेशल नेम। स्पेशल मतलब कोई विशेष नाम है। कलेक्टिव नाउन कोई विशेष नाम है, कोई ग्रुप और कलेक्शन, यानी सीधा सीधा समझेंगे किसी समूह का नाम है, किसी भीड़ का नाम है, उसी को हम क्या समझते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे यदि हम पुलिस कहे तो क्या एक पुलिस का बोध हुआ है? नहीं, पूरे पुलिस समूह का बोध हुआ है। समझ गए? पब्लिक यदि हम बोलते हैं तो पब्लिक मतलब क्या हुआ? पूरे भीड़ का बोध हो गया, यानी जितना व्यक्ति हैं टोटल का बोध हो गया पब्लिक के से। ऑडियंस यदि हम बोलते हैं तो ऑडियंस मतलब क्या हुआ? कोई प्रोग्राम चल रहा है जो भी वहां देखने के लिए गया हुआ है, सब क्या होते हैं? ऑडियंस। नेता के आगे में जो अब गया हुआ है ढेर मनी लोग बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक बोलते हैं। जनता जनार्दन, हमारे क्या नाम है उनका, नरेंद्र मोदी कहते हैं जनता जनार्दन, बोलते हैं ना। आर्मी, आर्मी करे तो क्या हुआ? पूरे आदमी समूह का हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि कलेक्टिव नाउन में बहुत से नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लुरल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि शब्द तो एक ही है, नाउन तो एक ही है, लेकिन वो कभी सिंगुलर हो जाते हैं तो कभी प्लुरल हो जाते हैं। यही सभी के आधार पर कलेक्टिव नाउन को तीन भागों में बांटा गया है। वह कौन नाउन है तीनों? एक का नाम दिया गया जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है उसको अब लिखिए। पहला, ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड different kinds of members, different kinds of members is called generalizing collective